जय श्री कृष्णा। आज हमने बनाया है ये पीनट बटर। मूंगफली को भून के पीस के तो आपने कई बार बना के खाया होगा पीनट बटर, लेकिन आज मैंने ये कच्ची मूंगफलियों को भिगो के छील के और फिर ये बनाया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि सुपर टेस्टी पीनट बटर है हमारा। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा। और इसके अंदर प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं। बादाम के अंदर जितने प्रोटीन्स होते हैं, पीनट के अंदर भी उससे कम नहीं होते। तो हम ये पीनट बटर बना के बड़े आराम से खा सकते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी रहता है, क्योंकि भिगोने के बाद इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमने कैसे बनाया है पीनट बटर, और हमने इसका ये सैंडविच बना लिया है। क्या बना, कैसे बनाया है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए देखते हैं। आधा कप मूंगफली हमने ओवरनाइट भिगो के रखी थी। अब हम इनको हाथ से रगड़ के सारे इनके छिलक उतार लेंगे। ये छिलक हाथ से रगड़ने से बड़े ही आराम से ऐसे हमारे उतर जाएंगे। सारे छिलक हम उतार लेंगे। ये हमारी लगभग सारी मूंगफलियाँ छिल गई हैं। बस इस पानी में से ऐसे ये थोड़ी बहुत बची है, तो उनको हम छांट के, जो ना छिलेगी तो उसको हम ऐसे दो उंगलियों के बीच में लेके बड़े आराम से छील सकते हैं। इसी तरह हमने अपनी ये सारी पीनट्स छील ली हैं। मूंगफलियों को हम थोड़ा सा इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस किचन टॉवल पे डाल के, तो इनका एक्स्ट्रा जो ऊपर पानी है वो सारा निकल जाएगा। ये हमारी सारी मूंगफलियां छिलके तैयार हो गई हैं, और ऊपर जो इनके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी था वो भी हमने निकाल दिया है। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा चलाने से ये मूंगफली हमारी ऐसे दरदरी सी हो गई है। अभी तो हमें इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट मिलाना है, और इसके अंदर इसको थोड़ा मीठा करने के लिए अब हम इसमें शहद डालेंगे। 1 टेबल स्पून शहद डाल दिया, 1 टेबल स्पून शहद हमने और डाल दिया। अब हम इसको चला के देखेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शहद भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और गुड़ भी डाल सकते हैं हम शहद की जगह। गुड़ और मूंगफली का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। मूंगफली के अंदर प्रोटीन्स तो होते ही हैं। अब हम इसको एक बार फिर थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। 2 चम्मच शहद डाल के हमने इसको चला लिया है अपने पीनट बटर को, लेकिन अभी ये थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें तेल ऐड नहीं करेंगे। अगर हम सूखी मूंगफली से बनाते हैं तो हम तेल ऐड करते हैं, मूंगफली का हो या सोयाबीन का हो या ओलिव ऑयल हो। हम इसमें 1 ये टेबल स्पून भर के शहद का ही और डालेंगे, और स्मूथ पेस्ट होने तक हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारा पीनट बटर बन के तैयार हो गया है। कच्ची भिगो के बनाई हुई मूंगफली से बनाया है ये हमने। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। हमें ऐसा ही पीनट बटर चाहिए जो कि हमारा ब्रेड पे आराम से स्प्रेड हो सकता है। अपने इस पीनट बटर को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। शहद, अगर ये बारीक ज़्यादा आप इसका ऐसा पतला पेस्ट ना बन रहा हो तो आप इसमें, मैंने 3 बड़े चम्मच शहद के डाले हैं, आप इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर तेल भी नहीं डाला है और पानी भी ऐड नहीं किया, तो ये हमारा इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। फ्रिज में रख के हम इसको 4-5 दिन तक बड़े आराम से खा सकते हैं। अब हम इस पीनट को अपनी ब्रेड पे लगाएंगे। अपने स्वाद अनुसार आपको कम ज़्यादा जितना अच्छा लगे इस पे फैला लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ बना है हमारा, बिल्कुल जैसे कि हमारा बटर होता है, और बड़े आराम से ब्रेड के ऊपर लग रहा है। ये हमारा अच्छे से बटर स्प्रेड हो गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं मोड़ के, या हम इसको काट के सैंडविच की शेप दे सकते हैं। और ये लीजिए, ये हमारा पीनट बटर सैंडविच बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये पीनट बटर की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। धन्यवाद।